मैं अपने बच्चों को लेकर आ गई हूँ अरबाब और शनवारी पंप पे। यहाँ पे अच्छी खासी रौनक है, ईद के बाद से झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो रात गए काफ़ी सारी फैमिलीज अपने बच्चों को घुमाने फिराने ले आती हैं, तो हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे बच्चे जो हैं इंजॉय कर रहे हैं और मैं आप सबको वीडियो बनाकर इंजॉय करवा रही हूँ। मायरा 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 माशाल्लाह आज सुबह ही सुबह बादल बने हुए हैं, अभी 7 का टाइम है। अल्लाह करे कि आज सारा दिन मौसम इस तरह खूबसूरत रहे, धूप ना हो, क्योंकि धूप वो निकलती है तो कोई काम भी नहीं होता। प्यारी YouTube फैमिली, ये है हमारे बहुत ही प्यारे भाई और आज हमारे ये घर आए हुए हैं। इन्होंने मुझे शादी पर इन्वाइट किया, मैं नहीं जा सकी तो ये उल्टा मुझे मनाने आए हुए हैं भैया। सलाम दुआ तो करो चाहे सारे सब्सक्राइबर को। माई कौन कह नहीं पहली उठे पहनो बे कमरे च, ठीक है वे तबीयत से ठीक है, खैर नाल शादी थी गई, जाल जेड़े शेड़े तो कह नहीं लेंदी, देख गिने जेड़ा लावे ता सोटा छे गिने मेरी इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुशी थी ये भैया तो सारे घर है वैसा कोई इज्जत बख्शी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमें देखने वाले हमारे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे आबाद रहे आमीन या रब्बुल आलमीन। तो करते हैं इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज। आज यकीन करें मेरे लिए कामों की लाइन लगी हुई है, तो दिन होते ही काम स्टार्ट हो चुकी है और कुछ बहन भाइयों के कमेंट आए बाजी कल वीडियो क्यों नहीं आई, तो वीडियो कल इसीलिए नहीं आई कि मैंने जो छोटे मोटे घर के काम निपटाने थे, तो आपको पता है एक सिंगल मॉम एक अकेली माँ का है कितना सारा बोझ होता है उसके ऊपर, तो वो सारे काम मैंने कल के कल कर लिए और आज करते अपने वीडियो का आगाज। और कल जो मैंने काम किए और आज जो मैं काम करने जा रही हूँ उनकी सारी डिटेल और तफसील आपके साथ शेयर करूंगी, आप सब हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे। और जिस भाई से थोड़ी देर पहले मैंने आपको मिलवाया वो प्यारे भाई हमारे पहले जहां मेरा घर होता था वहां के, उनकी शादी हुई, उन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा, मैं वहां नहीं जा सकी मसरूफियत की वजह से, तो जैसे ही उनकी शादी हुई वलीमे से आज उनका दूसरा दिन था, तो वो सीधे मियां बीवी दोनों यानी कि दुल्हन और दूल्हा दोनों मेरे घर पहुंच गए, अपनी नाराजगी का इजहार किया, काफी टाइम उनके साथ बैठना पड़ा, तो जैसे ही अभी उनको रवाना किया तो मैंने सोचा कि अपनी कम गुजरान कर लेती हैं। तो आप YouTube चैनल RJ महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आप लोग कहेंगे कि अभी तो बाजी घर में थी अभी मार्केट पहुंच गई, जी हाँ जल्दी जल्दी मैं घर से निकली, अभी हम देखती हैं बाथरूम के लिए टाइल्स, देखते हैं कि हमें कौन सी टाइल्स पसंद आती हैं। डिज़ाइन तो बहुत सारे थे, हमें जो डिज़ाइन पसंद आया वो ये है ग्रे वाला, ये बॉर्डर लगेगा और ये सिंपल है, इसी में ये गोल्डन डिज़ाइन भी खड़ा है, लेकिन मैंने कहा कि वो ग्रे वाला मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वैसे तो पूरी दुकान भरी हुई है माशाल्लाह, मुख्तलिफ डिज़ाइन है, इधर भी लगे हुए हैं डिज़ाइन, आज हमारे घर की हालत कुछ इतनी ख़राब हो गई है जितनी तारीफ करो कम है। ये बाथरूम के लिए टाइल्स वगैरह लेकर मैं भी आई हूँ, गर्मी भी आज बेनतहा है, तो बैठक की सीलिंग का काम आज हमने स्टार्ट करवा दिया है। एक घर की एक चीज़ बनवाती है तो दूसरी ख़राब हो जाती है। देखें ये फ़र्श की अच्छे तरीके से कुटाई नहीं की थी बगैर तू ने, जिसकी वजह से हमारा सारा फर्श बैठता जा रहा है, तो आप सब बहन भाई अभी सपोर्ट करेंगे तभी इसको भी हमने बेहतर करवाना है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह कट जाएगी, मैं एक चीज़ घर की बनवाती हूँ
तो उससे पहले जो दूसरी चीज़ है ख़राब हो जाती है। मेरे कुछ पिछले महीने से जो मैंने पैसे बचा के रखे थे उसमें से मैंने सोचा कि बरामदे की और बैठक की सीलिंग करवा के पेंट करवा लेती हूँ। आपको पता है जब से 3 साल से मैंने ये प्लाट लिया है, घर के ही जो भी महीने का कमा रही हूँ सारा इधर ही लगा रही हूँ घर पे। तो सीलिंग वगैरह वाले को कुछ पैसे ईद से पहले एडवांस दे दिए थे, जैसे ही वो आज ये काम स्टार्ट करने के लिए आए तो साथ में मैंने कहा कि बैठक का जो वॉशरूम है अटैच उसमें टाइल होनी चाहिए, तो वो करवा रही थी मैं काम। तो कल इतने ज़ोर से सेकेंड टाइम आंधी आई, इतनी ज़ोर से आंधी आई तो जिसकी वजह से हमारा ये दरवाज़ा जो है सारा टूट गया है। इधर से भी मैं दिखाती हूँ, मैं अक्सर दरवाजे को इस छत वाली सीढ़ी वाले दरवाजे को बंद रखती थी, लेकिन मैं गई हुई थी सेकेंड टाइम के करीब बाजार तो मायरा बैठी थी, बस वो टीवी की होश में होती है, उसे और कोई होश नहीं होता, तो वो टीवी चला के बैठी थी जिसकी वजह से ये हवा की वजह से ज़ोर ज़ोर से हिलता रहा। तो ये इतना अच्छा मजबूत दरवाज़ा था, ये सारा टूट चुका है और इतनी परेशानी बन गई। मैंने कहा मैं एक एक पाई जोड़ के घर बनवाती जा रही हूँ और घर जो है बनने की बजाय टूटता ही जा रहा है। यकीन करें 3 साल से जो कमाया अपने घर पे ही लगाया कि कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन हमारा घर नीचे से पुराना हुआ तो ऊपर से नए पर्दे डले। उसके बाद मैंने सोचा था कि जो इस महीने की तनख्वाह आएगी उससे कुछ घर के ऊपर पेंट वगैरह करवा लूँगी। अभी मिस्त्री को बुला के लाई हूँ सीढ़ी वाले दरवाजे के लिए, देखती हैं कि वो कितने पैसे लेता है, वो आएगा नाप वगैरह करेगा। तो मैंने सोचा इस बार मैं लोहे का दरवाज़ा लगवा लेती हूँ, ये जैसे स्टोर का लगवाया था जैसे बाथरूम और मेन गेट का है। घर की हालत आज अच्छी खासी ख़राब हो चुकी है, अभी तो 4-5 दिन ये काम रहने हैं। और ये पंखों के लिए राड लेने थे, ये राड भी 3 अदद ले आई हूँ, क्योंकि इधर सीलिंग होगी तो फिर ये छत वाले पंखों के लिए राड ज़रूरी है। आज का सारा दिन मेरा भागा दौड़ी में गुजरा, यकीन करें मेरी हालत ख़राब हो गई गर्मी में भाग भाग के। फिर आप बहन भाई कहते हैं कि बाजी रोज़ की वीडियो अपलोड किया करें, आपके ऊपर बाजी की जैसी जिम्मेदारी हो तो आपको पता चले कि एक मर्द का मर्द हूँ और औरत की औरत हूँ। अभी मिस्त्री भाइयों को पीनी दी चाय, अभी मैं कोट छुट्टी से आई, मैंने सांस भी नहीं ली और मिस्त्री भाइयों के लिए चाय बनाई, अभी उनको चाय देते हैं। माशाल्लाह जी, हमारी जो है बैठक की छत का काम मुकम्मल हो गया, एक ही दिन में इन्होंने मिस्त्री भाइयों ने मुकम्मल कर दिया, बहुत बड़ी हिम्मत है। सारा दिन लगे रहे गर्मी में, एक मिनट नहीं बैठे, और पहले जो हमने दूसरे किचन वाले कमरे की करवाई थी तकरीबन 2 से 3 दिन लगाए थे उन्होंने, हालांकि वो कमरा इससे छोटा था। और इन्होंने डिज़ाइनिंग भी की है सेम मुजाहिद भाई के घर की तरह, हमने डिज़ाइन करवाई है क्योंकि उनके घर की डिज़ाइनिंग मुझे अच्छी लगी थी, सिंपल भी थी और ज़्यादा हैवी नहीं थी। तो इंशाल्लाह आज के दिन का काम यहीं पर एंड करते हैं वीडियो का, मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।